देखिए 1.17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकुलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर. एक फिगर दिया हुआ है, दिया है ना. तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर. और एक हिंट दिया है, क्या बुक में भी हिंट दिया है. अच्छा इसमें हिंट दिया, तो हिंट हम नहीं पढ़ रहे हैं. मतलब एक्चुअली में लफड़ा यह है कि एक स्क्वायर दिया है एक तरीके से, ठीक है, एक स्क्वायर दिया है. और स्क्वायर कुछ ऐसा होता है हम जानते हैं. अब बढ़िया तो हम डायग्राम बना नहीं पाते, घटिया बना लेते हैं, लेकिन हम बनाने की कोशिश करेंगे. हम स्क्वायर बना ही नहीं पाते. देखिए लड़के बनाते हैं, देखा था तो हम सीख गए थे कि स्क्वायर ऐसे बनाया जाता है, स्क्वायर और क्यूब ऐसे बनाया जाता है. स्क्वायर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, स्क्वायर कह रहे हैं सॉरी, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, एक क्यूब है ना. अब क्यूब का बेस कैसा है, बेस स्क्वायर है ये, मतलब एक तरीके से ये बेस दिया है इसका, ये बेस है, ये क्यूब का बेस है, ठीक है. अब क्यूब को कंप्लीट कर दीजिए बेस बना करके, भाई क्यूब को करिए, बाद में क्यूब को आप बेस बना करके ऐसे कंप्लीट कर दीजिएगा, जैसे भी कंप्लीट किया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे कंप्लीट करोगे, ऐसे 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 कुछ हुआ कंप्लीट, ऐसे ऐसे कुछ कंप्लीट होगा, ऐसे होगा ना कंप्लीट. अरे वाह कुछ हुआ, हाँ ए हाँ, अरे वाह गुड हो गया. तो एक्चुअली में इसका जो बेस बनाया था ना, इस बेस से 5 सेंटीमीटर दूर एक चार्ज रखा हुआ था, यानी ये दूरी दी है. इसका क्या लॉजिक है पता नहीं है, ये दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो फिलहाल दी है तो उसको थोड़ा रेस्पेक्ट दे देते हैं. 5 × 10⁻³, जैसे होता है साथ में आ गई है कि ना, आ गई है तो आई गई है, चाहे बैठो आकर के चाय पियोगी नहीं पियोगी, वेरी गुड. और इसके अंदर जो ये चार्ज यहां रखा हुआ है क्यू, वो लिखा हुआ है 10 माइक्रोकुलम प्लस 10 × 10⁻⁶ कूलम, ये चार्ज रखा हुआ है. तो कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि स्क्वायर का मतलब क्या कहना चाहते हो, स्क्वायर का मतलब हमें इससे बात कर रहे हैं, इस सरफेस से बात कर रहे हैं, नहीं समझे, इस सरफेस से आपसे चार्ज पास करा रहे हैं. ठीक है, हम जानते हैं कि भाई टोटल जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, ये फ्लक्स सबसे पास हो रहा है. तो अगर हम मैं क्यूब की बात करूं कि इसमें कितने स्क्वायर हैं, तो अगर मैं मान लूं कि एक सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो फाई एस पास हो रहा है, एक सरफेस से, ये तो फाई ई है टोटल, ठीक है, तो एक सरफेस से फाई एस है तो टोटल ये जो फाई ई है उस फाई एस का 6 टाइम्स हो जाएगा टोटल फ्लक्स. भाई फाई एस इधर, भाई कमरा वाले क्यूब शेप का है तो फाई एस इधर, फाई एस इस दीवार में, फाई एस सामने वाले में, फाई एस पीछे वाले में, फाई एस ऊपर, फाई एस नीचे, तो टोटल 6 फाई एस हो गया. और टोटल 6 फाई एस ही आपका फाई है, क्यों, तो ये टोटल फ्लक्स होता है ना, ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है, तो आपसे एक कर पूछ रहे हैं फाई एस, तो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, समझ में बात नहीं है. तो अगर हमसे टोटल फ्लक्स की बात करते, हमसे उन्होंने क्यूब नहीं बोला बाद में, उन्होंने बोला कि वो जो स्क्वायर है ना, जो आप मतलब एक तरीके से कमरे की जो फर्श, अगर कमरा स्क्वायर क्यूब शेप में है तो कमरे की फर्श स्क्वायर हो गई. कमरे के फर्श में आप खड़े हैं तो खोपड़ी पे आपके चार्ज रखा हुआ है, बीच में कहीं 5 सेंटीमीटर दूर, अब वो चारों तरफ फ्लक्स पास कर रहा है, 6 फेस है, 6 फेस कर रहा है, उसमें से एक स्क्वायर सरफेस में आपसे पूछ रहा था. तो जब हम फाइव एस की वैल्यू निकालेंगे एक सरफेस से, तो क्यू हो गया आपका 10⁻⁵/6, ये हो गया 8.85 × 10⁻¹². एक बार ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन करने की अगर आपकी आदत नहीं है तो एग्जाम में नहीं कर सकते आप. भाई आपने ये वैल्यू रख ली और आपने फर्श से आंसर देखा, बोले हाँ हो जाएगा, हो नहीं जाएगा ना. आपने देखा होगा परचून की दुकान वाला आदमी फटाफट वो गिनती गिनता 2 × 2 = 4 × 5 = 75 रुपया, क्योंकि 2 + 2 = 4 उसका दिमाग फर्श से करेगा. तुमसे कहा 3 + 2 = 4 + 5 = 5 + 5 + 7 = 6 + 7 = 8 ऐसे जोड़ेंगे आप, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन करते रहिएगा. अब आप कहेंगे आप काहे नहीं करते हो, हम नहीं करते, तो इसकी वैल्यू आई 1.88 × 10⁵, 1.88 × 10⁵. अब इसका यूनिट बता दीजिएगा,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर और जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैसे तो डायमेंशन आपकी इंटरमीडिएट में नहीं है, लेकिन चूंकि डायमेंशन इंटर के फार्मूले भी 11th में है, इसलिए डायमेंशन पूछे जा सकते हैं, खासकर नीट वीट तो आते हैं। और कोई पार्ट तो नहीं दिया हुआ है, और पार्ट दिया तो नहीं है तो फिर एक क्यों लिखा इन्होंने, पता नहीं। देखिए एक काम वो कर सकते, कह सकते हैं आपसे कि अगर मैं चार्ज को 6 सेंटीमीटर बजाय 5 सेंटीमीटर कर दूं, तो देखिए चार्ज उस बॉक्स के अंदर कहीं भी आप रखेंगे फ्लक्स विल बी द सेम, फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉक्स बड़ा भी कर दोगे तो टोटल फ्लक्स विल बी सेम, तो उस जो दिया नहीं इसलिए हम दुरुस्ती नहीं बताएंगे, तो ये 1.17 हुआ, ठीक। बॉक्स बड़ा करने से फ्लक्स नहीं, अरे एक मिनट, ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये 50 जो है इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है, तो ये जानता है क्या बॉक्स रास्ते बॉक्स रखे हो तुम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जानता है रास्ते में बॉक्स रखा हुआ है, बोले बॉक्स रखा हुआ है चलो 100 लोग चलते हैं, बड़ा बॉक्स रखा हुआ है 200 लोग चलते, वो जानता है। यहां से अगर 50 लाइन निकली 50 ही निकलेंगे ना, तो आपने 50 को यहां घेरा, रहेगी तो 85। हाँ, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ जो लाइन की स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है, ठीक है। भाई किसी को चट्टा मारा हमने, नहीं ज्यादातर मास्टर आजकल चट्टा नहीं मारता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाथ बांध रखा, डांट नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम लोग भी हम जाओ बेटा पढ़ के आना, अरे क्यों नहीं पढ़ के आयो बेट, प्लीज पढ़ के आया करो, वह लड़का कहता तुम्हें तैसी है बता रहे हो। और पहले हम लोग घुसड़ के मारे जाते थे, सुअर कुत्ता गधा नालायक स्टूपिड डफर डंकी सब कुछ बने हैं, और मालूम था स्कूल जाएंगे तो गुरुजी जूता लात चला देंगे, तो पढ़ते थे लोग। अभी तो पूरे हाथ पर हम लोग ऐसे पीछे बांध दिए गए हाथ ऐसे, मतलब हम लोग टीचर वाला रिवाल्वर का कैप लगा दिया, रिवाल्वर निकाल ली गई है, ठीक है, केवल कैप लगाया बस, बिना रिवाल्वर के दरोगा अपने टहलो, लड़का भी कम नहीं हो कहता अपना काम करो। तो यानी कि अगर आप इसका एरिया बढ़ाते जाओगे तो इतना हो सकता है कि पर यूनिट, जैसे मैं थप्पड़ की बात कर रहा हूं तो मैंने उसको छोटा सा गाल है पूरा हाथ आ जाएगा, अब इतना बड़ा गाल है इतना बड़ा, तो पर यूनिट एरिया उसकी प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, कभी कभी बड़े बड़े भी गाल होते हैं, ठीक है, ये आपका 1.17 है।